स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर आज हम जो है फिफ्थ लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक नई थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी। स्टूडेंट जो है, इससे पहले जो लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने आपसे इंट्रोडक्शन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। हम आपसे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने आपसे डिस्कस की, फिर हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हमने आपसे डिस्कस की, फिर हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस की। उसी सीरीज में स्टूडेंट हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं आज मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी, या मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, कुछ भी आप बोल सकते हो इसको, है ना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आईटेप पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड एक प्लेलिस्ट हो रही होगी। अगर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ क्लिक कर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रीवियस लेक्चर्स जो है वॉच कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपने अभी तक न्यूमेरिकल मेथड वॉच नहीं किया है, न्यूमेरिकल मेथड अगर आप वॉच करना चाह रहे हैं तो एंड स्क्रीन पर आपको उसका जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से क्लिक करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट वहां से मिल जाएगी, और स्टूडेंट आप चाहें तो जो है एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स सर्च कर वहां प्लेलिस्ट पर जाकर भी बहुत सारी प्लेलिस्ट यूनिवर्सिटी वाइज और जो है आपके सेमेस्टर वाइज यूनिट वाइज आप वहां से जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आई स्टूडेंट, हम समझ लेते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे, फिर हम आपसे कुछ इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप देख लें, इसका स्टेटमेंट होता है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ये तो आप समझते हैं, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टूडेंट यहां जो है इस तरीके से लिखते हैं टी की पावर एन एफ ऑफ टी, मतलब हम क्या कर रहे हैं टी की पावर एन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फंक्शन में, देन तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है स्टूडेंट आपको वो देखना है। रिजल्ट आता है माइनस वन की पावर एन डी एन ओवर डी एस एन फंक्शन ऑफ एस, वेयर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो। तो स्टूडेंट आप या तो इस थ्योरम को इस तरीके से समझें कि माइनस वन की पावर एन डी एन डी एस एन एफ एस, या इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे तो पहले हम आपको इस तरीके से बता देते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी अगर हम डिस्कस करें तो ये हो जाता है हमारे स्टूडेंट यहां माइनस डी ओवर डी एस फंक्शन ऑफ एस, और इसी सीरीज में अगर स्टूडेंट हम आपसे डिस्कस करें टी की पावर एन एफ टी, तो हम यहां लिख देते हैं माइनस वन की पावर एन डी एन डी एस एन एफ ऑफ एस। ये स्टूडेंट आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इसी फॉर्मूले में एन इक्वल टू वन रखा तो हमें ये मिला, और इसी फॉर्मूले में अगर हम एन इक्वल टू टू रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ टी, तो स्टूडेंट हो जाएगा माइनस वन की पावर टू डी टू ओवर डी एस टू फंक्शन ऑफ एस। तो आप समझ गए, आपको केवल ये याद रखना है माइनस वन की पावर एन डी एन डी एस एन एफ ऑफ एस, तो ये एन डिपेंड करेगा आप पे टी पे पावर कितनी है। अगर टी पे पावर वन है तो आप माइनस वन की पावर वन करेंगे तो माइनस वन आएगा, और एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, इस फंक्शन एस का। अगर स्क्वायर दिया है तो दो बार डिफरेंशिएशन करना है, क्यूब दिया है तो तीन बार, एन दिया है तो एन बार, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ देख लें टी इंटू कॉस टू टी, देखिए आप ये हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ फाइंड आउट करना है टी इंटू कॉस टू टी का। तो आपको समझ में आ रहा है कॉस टू टी में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है टी का, तो यहाँ टी की पावर क्या दिया है आपको वन, तो स्टूडेंट यहाँ यूज होगी मल्टीप्लीकेशन बाय टी, मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट जो है हमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि आपने देखा होगा कि अगर किसी फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीपल होता था तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करते थे, इसके बाद हमने आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बताई जिसमें हम जो है यूनिट स्टेप फंक्शन का यूज करते थे, इसके बाद स्टूडेंट जो है हमने आपसे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, उसमें क्या होता था हमारा स्केल चेंज हो जाता था। यहाँ क्या हो रहा है आपके फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, टी की पावर एन का। तो स्टूडेंट जरा देख लेते हैं, हम एक प्रॉब्लम यहाँ आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो इसी प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस टू टी। तो यहाँ स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि टी की पावर एन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन हमारा क्या होगा कॉस टू टी, तो यहाँ एल ऑफ एफ टी, देखिए आपसे बात कर रहे हैं एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, तो सबसे पहले फंक्शन जो हमारा है
उसका लाप्लास हमें निकालना पड़ेगा। फंक्शन है हमारा cos 2t और cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है cos s होता है, तो आता है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 जा 4। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ cos 2t का। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे अप्लाई मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ t। यहां मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ t प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या होगा यहां t का मल्टीप्लाई हो जाएगा। t का मल्टीप्लाई ही क्यों होगा, क्योंकि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, केवल t चाहिए। तो यहां स्टूडेंट देखिए रिजल्ट, आप देखिए रिजल्ट में क्या होता है, माइनस वन की पावर n dn ds n f ऑफ s। तो यहां जब अप्लाई करेंगे तो माइनस वन की पावर वन होगा, d1 होगा और ds1 होगा, मतलब एक बार होगा, और fs का मतलब है आपका s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4। fs का मतलब यही तो होता है हमारे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हमारा क्या कहलाता है fs। तो स्टूडेंट इसको हमें सॉल्व कर देना है एंड गेट द आंसर। तो इसको सॉल्व करने का मतलब हमारा ये हुआ है, तो माइनस वन आपको दिया हुआ है। अब इसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर, तो आप क्या करोगे s स्क्वायर प्लस 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ s स्क्वायर प्लस 4 आप सेम लिखोगे, s का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा माइनस। अब यहाँ आप s सेम लिखेंगे, s स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे तो 2s प्लस 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको आप फिर से सॉल्व करिए तो हो जाएगा माइनस s स्क्वायर प्लस 4 माइनस का हो जाएगा 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे जरा क्या कैंसिल हो रहा है। यहां से कैंसिल हो रहा है आपका s स्क्वायर में से 2s स्क्वायर गए, तो होगा ये माइनस का भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये होगा s स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। और ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया स्टूडेंट, t इनटू cos 2t का, t इनटू cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका आया s स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा कि मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी, यहां मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी लिख लें आप, है ना, मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी। तो मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी प्रॉपर्टी का हमें यूज किस तरीके से करना है, तो आई स्टूडेंट यहां हम कुछ और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट यहां समझ लेते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी में, ये फर्स्ट एग्जांपल हम आपके सामने एक जो है आपको डिस्कस कर चुके हैं, दो एग्जांपल दो प्रॉब्लम्स आपकी स्क्रीन पर और दी हुई हैं, इनको भी हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ये प्रॉब्लम्स ही हमने आपके साथ क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ तीन फंक्शन है, टी भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और साइन टी भी है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इस टाइप की एक प्रॉब्लम और डिस्कस की थी कि एक प्रॉपर्टी के साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के साथ साथ वहां फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, है ना। मैंने आपसे कहा था कि जहां भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है वहां फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज हो रही है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां भी देखिए मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वहां क्या हो रही है, यूज हो रही है। और स्टूडेंट हमने आपसे ये भी कहा था कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज हम सबसे लास्ट में करते हैं, सारी प्रॉपर्टी को हम पहले यूज कर लेंगे, एट लास्ट हम यूज करेंगे इसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को। उसके अलावा आप देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, टी इंटू साइन टी दिया है। अगर t इंटू साइन टी की बात करें तो साइन टी फंक्शन होगा और t से मल्टीप्लाई है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ t। तो स्टूडेंट पहले हमें मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ t यहाँ यूज करना पड़ेगा, देन हम जो है यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट इसको जरा हम समझ लेते हैं, है ना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और फंक्शन हम किसको मान रहे हैं यहाँ साइन टी को, और साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a अपॉन साइन ए टी, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, जिसको हम क्या कहते हैं एफ एस भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे नाउ अप्लाई मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी। तो स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें मल्टीपल हो जाएगा किसका, टी का, टी का ही मल्टीपल क्यों होगा, क्योंकि यहां हमें प्रॉब्लम में टी का दिया, अगर टी स्क्वायर होता तो यहां टी स्क्वायर लिखते। और फॉर्मूला में स्टूडेंट याद रखना है हमने आपसे क्या कहा था कि अगर हमें टी की पावर एन एफ टी का लाप्लास निकालना है तो माइनस वन की पावर एन डी एन डी एस एन एफ एस होगा। तो यहां टी की पावर वन दिया है तो माइनस वन की पावर वन करेंगे तो माइनस आएगा, और एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा तो डी वन डी एस वन, और एफ एस का मतलब है अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, डिफरेंशिएशन समझ लें। डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, क्लियर स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है आपका 1 अपॉन s, और 1 अपॉन s का डिफरेंशिएशन आप चाहे तो उससे कर लें माइनस का 1 अपॉन s स्क्वायर, है ना, या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो वैसे कर लें, s स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1, इसको हम ऊपर ले गए, और ये हो गया आपका हमने पढ़ा ना x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, तो माइनस s स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 2, और इसका होगा तो हो जाएगा 2s, इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे आता है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका जो आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन आएगा आपका माइनस का 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट। और इसको जो है आप फिर से सॉल्व कर देंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी आपका हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहां हमें फर्स्ट एक्टिव प्रॉपर्टी यूज करनी है क्योंकि एक्सपोनेंशियल लिखा है, तो हम लिखेंगे नाउ अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग, नाउ अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। स्टूडेंट जब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किसी फंक्शन में मल्टीपल हो जाता है। अगर इसको फंक्शन लेके चल रहे हैं तो ये देखिए फंक्शन का लाप्लास हमने निकाल लिया, तो एक्सपोनेंशियल क्या है, e की पावर माइनस 2t और t इंटू साइन t। तो स्टूडेंट जरा हम आपको बता दें कि फर्स्ट शिफ्टिंग अगर आपको याद ना हो तो हमने आपसे कहा था कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at ft हमें फाइंड आउट करना है तो हो जाता है f of s minus a, मतलब fs को जो हम क्या करते हैं s minus a से रिप्लेस कर देते हैं। तो a कहां से आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में t का कोफिशिएंट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में t का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2, तो इसका मतलब ये है कि s यहां रिप्लेस होगा s माइनस माइनस 2 मतलब s प्लस 2 से, क्लियर है। तो आप यहां जहां जहां s है वहां वहां क्या रख देंगे, s प्लस 2, तो हो जाएगा 2 इंटू s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप चाहे तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लें और अदरवाइज आप इसको क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इनटू e की पावर माइनस 2t sin t क्या होगा, ये होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट एक अनदर प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर यहां भी दी हुई है ना, तो इसको भी जरा देख लेते हैं, है ना, ये प्रॉब्लम हमारी क्या कहती है। इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट सेम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, तो यहां हम फंक्शन फिलहाल मान ले रहे हैं किसको, cos 3t को, cos 3t को हम जब फंक्शन मानेंगे तो cos है तो होगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 3 3 9, और इसको हमने फिलहाल fs बोल लिया, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ t के लिए, है ना। तो हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ t। देखिए स्टूडेंट हमने अप्लाई किया, जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा t cos 3t। तो इसका मतलब स्टूडेंट अभी अभी हमने बताया माइनस 1 की पावर n dn dsn fs, तो माइनस होगा और d होगा ds होगा और fs की जगह आपका आ जाएगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9। अब स्टूडेंट इसका आपको क्या करना है, यहां डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, क्या डिफरेंशिएशन होगा, माइनस, सबसे पहले तो s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर होगा, समझ आ रहा है आपको। इसके बाद s स्क्वायर प्लस 9 हम सेम लिखेंगे, s का हमने डिफरेंशिएशन किया 1 माइनस, अब जो है s लिखोगे इसका करोगे तो होगा 2s प्लस 9 का करोगे तो होगा 0, और स्टूडेंट्स को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो होगा माइनस का s स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इनटू cos 3t निकालने वाले थे जो कि हमें यहां मिल चुका है, क्या मिला है, देखिए 2s स्क्वायर में से s स्क्वायर जाएगा, माइनस का है तो माइनस का होगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया किसका, t इनटू cos 3t का। अब स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर 5t, तो हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग, तो लिखेंगे नाउ अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको मालूम है क्या होती है, या प्रॉपर्टी आपको मालूम है क्या होती है, s रिप्लेस होता है s माइनस a से,
और माइनस ए की जगह दिया है 5, तो एस रिप्लेस हो जाएगा एस माइनस 5 से, है ना। ये डिफरेंस समझ लेना बेटा, है ना, एस माइनस 5 लिखा है। तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 5t और टी इंटू कॉस 3t हम जब फाइंड आउट करेंगे, तो इस रिजल्ट में जहां जहां एस है वहां वहां लिखेंगे एस माइनस 5। तो हो जाएगा एस माइनस, ये है 5 है ना, स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, है ना। तो स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है स्टूडेंट, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी। तो मैंने आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी भी अप्लाई करके दिखाया, और मैंने दो प्रॉब्लम्स आपको वो भी अप्लाई करके दिखाई कि मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी प्रॉपर्टी के साथ साथ कोई दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब फर्स्ट टर्म प्रॉपर्टी भी यूज हो रही हो, तो आपको प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट मैं यहाँ एक नई टाइप की प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने आपसे कहा था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करता है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो। इसके साथ हमने कहा था कि कुछ इंटीग्रल प्रॉब्लम्स को भी हम जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हीं इंटीग्रल्स प्रॉब्लम को हम मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं कुछ इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट जो है हम मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है किसका, फंक्शन का। सबसे पहले हम फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, और स्टूडेंट हम फंक्शन मान के चल रहे हैं किसको, cos t को। तो cos t को हमने फंक्शन माना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम cos t है ना, 2t नहीं है, cos क्या है, t है। cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, और cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1, जिसको फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं, fs बोल रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब जो है स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, cos t के बाद मल्टीप्लाई है t का, और cos t का मतलब है मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ t। तो हम यहां क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ t प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब देखिए वे देखिए आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो हम लिख रहे हैं नाउ अप्लाई मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ t। देखिए स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें t का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा t इनटू cos t। ही क्यों है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में t दिया है। तो अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमने आपसे कहा था किसी भी फंक्शन में अगर t की पावर n से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको हम लिखेंगे माइनस 1 की पावर n dn dsn f of s। तो यहां जो है पावर क्या दी है, 1 दी है, तो ये होगा माइनस का d ओवर ds fs, और fs का मतलब है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, मतलब इसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो स्टूडेंट इसका जब डिफरेंशिएशन आप निकालेंगे, तो आप इसको देखो माइनस को हमने बाहर लिया, और डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, तो एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ एस स्क्वायर प्लस 1 आप सेम लिखेंगे, एस का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, माइनस एस सेम लिखेंगे और ये होगा 2s प्लस 0। और इसको स्टूडेंट आप सॉल्व कर लें, तो होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी कॉस टी इज इक्वल टू, देखिए माइनस है और ये हो जाएगा एस स्क्वायर, और माइनस का ऐसे लिख रहे हैं ना आप, ये हो रहा है एस स्क्वायर प्लस 1, और ये हो रहा है माइनस का 2s स्क्वायर, माइनस के 2s स्क्वायर में से एक s स्क्वायर जाएंगे, तो माइनस का s स्क्वायर होगा और प्लस का 1 होगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा s स्क्वायर, और प्लस 1 की जगह हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया किसका, t * cos t का। तो आप स्टूडेंट जो है अब देखें हमें क्या करना है, आप समझना जरा, हमें यहाँ क्या चाहिए, e की पावर माइनस 2t। तो अब आपका दिमाग दौड़ेगा कि सर e की पावर माइनस 2t चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। नहीं, हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसलिए यूज नहीं करनी है क्योंकि इसमें साइन दिया है किसका, इंटीग्रल का। तो स्टूडेंट आप जरा थिंक करें, सोचें कि साइन ऑफ द इंटीग्रेशन और लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, ऐसी प्रॉब्लम्स जब भी हमें सॉल्व करने को दी जाएंगी, वहां लिमिट हमेशा क्या दी होगी आपको, 0 से इन्फाइनाइट दी होगी। जीरो से इनफाइनाइट लिमिट आपको क्यों दी होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसको हमने पढ़ा है जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। क्लियर है। तो यहाँ जो है इस डेफिनेशन में क्या होता है, जीरो से इनफाइनाइट लिमिट आती है और फंक्शन में मल्टीपल हो जाता है e की पावर माइनस एस टी का।
तो स्टूडेंट्स का बताने का मतलब केवल ये है कि आप देखें टी इंटू कॉस टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस टी को अगर हम डेफिनेशन के तरीके से लिखना चाहें तो देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस टी को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी और एफ टी, और एफ टी की जगह हमने ले लिया टी इंटू कॉस टी, तो एफ टी हो गया टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी। आप देखिए ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, तो एफ टी में मल्टीपल हो रहा है e की पावर माइनस एस टी का, उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, तो एफ टी में मल्टीपल हो रहा है e की पावर माइनस एस टी का, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं जीरो से इनफाइनाइट, और इसके इक्वल में हमें क्या दिया हुआ है एस स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जरा इसको और इसको मैच करें, इसको और इसको जरा मैच करें, इसको जब हम मैच कर रहे हैं तो आप देखेंगे जरा ध्यान से कि ये जो दिया हुआ है आपको, देखिए आपको क्या दिया हुआ है टी ई की पावर माइनस टू टी कॉस टी, टी ई की पावर माइनस टू टी कॉस टी, तो टी कॉस टी और ई की पावर माइनस टू टी, तो टू आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहां से एस को रिप्लेस कर देंगे किससे, टू से। जब एस को आप टू से स्टूडेंट रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस टू टी और t इंटू कॉस टी डी टी इज इक्वल टू, यहाँ टू रखेंगे तो टू टू जब फोर माइनस वन तो होगा थ्री डिवाइडेड बाय टू टू जब फोर प्लस वन फाइव और फाइव फाइव जब ट्वेंटी फाइव। तो स्टूडेंट इसको हमने क्या किया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है ना, टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है ना, यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है, यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है नहीं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं है स्टूडेंट क्योंकि हम जो है इंटीग्रल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम लाप्लास की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसकी इंटीग्रल की। तो जीरो से इनफाइनाइट टी इंटू ई की पावर माइनस टू टी कॉस टी डी टी की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी, वो प्रॉब्लम आपकी इस तरीके से सॉल्व होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा कि इंटीग्रल्स प्रॉब्लम को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से किस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहां मैं कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम आपके लिए दे रहा हूं जिनको आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। आई होप स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा होगा, लेक्चर पसंद आ रहा होगा। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज इसको शेयर जरूर करें, और हाँ चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट उसे भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी आप क्या कर लें, प्रेस कर लें। तो आइए स्टूडेंट हम कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर यहां पांच प्रॉब्लम्स दिए हैं, पांचों प्रॉब्लम आपकी बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी पर। तो स्टूडेंट इन पांचों प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। इनके आंसर्स जो है आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप जो है कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर्स डाल सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी हमसे बात कर सकते हैं। स्टूडेंट आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, तो स्टूडेंट आप जो है लेक्चर्स को वॉच करते रहिए और इनको शेयर भी करते रहिए। थैंक यू गाइज़।